डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी

इसके लिए एक लॉ ने एक्ट बनाया है जिसको हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 तो आरटीआई का मतलब क्या होता है आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन जिसका मतलब होता है हमारे पास राइट है कि हम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडीज से क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो आज के एक्ट में हम आर के बारे में कुछ जानेंगे लाइक like, उसके फीचर्स क्या हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आर एक्ट बनाने की पीछे एक पर्टिकुलर पर्पस है वो पर्पज़ क्या है हमको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज संविधान इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है और हमारा संविधान क्या है रिटर्न फॉर्म में है तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें कहाँ से मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है तो उसमें से एक हमारा राइट right है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ या yeah, फिर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ या मेरे कुछ सजेशन्स हैं या मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ भी आ रहा है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहती हूँ तो ऐसे राइट को गवर्नमेंट ने क्या बोला है गवर्नमेंट ने इसको बोला है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो इसी राइट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं आरटीआई एक्ट बोलते हैं और जो हमें राइट मिला है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर no. के अंदर आता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 थाउजेंड फाइव केम इंटू फोर्स ऑन ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था नाइनटीन फिफ्टी को उसके बाद ऐसे सरकमटेंसेस क्रिएट हुए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट right थे लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे थे उसको खुद के वेलफेयर के लिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कैसे यूटिलाइज करना ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे इंडिया में ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी अप्रोप्रिएट टर्म्स हम तभी बोलते हैं जब उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया हो और वो एक्ट वेलीडिएटेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए तो 2005 में एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट टू एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू देंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल पब्लिक जो एक्ट बनाया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एवरी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर क्या होता है एप्लीकेबल होता है तो लॉ ने हमें डेफिनेशन दी है कि इंफॉर्मेशन की बात अगर आप कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन का एग्जेक्ट मतलब क्या होता है तो लॉ ने बोला है कि एनी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स मैमोज ई मेल ओपिनियन एडवाइस एक्सप्रेशन रिलीज ऑफ सर्कुलर्स, ऑर्डर लॉग बुक्स कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट्स पेपर सैम्पल मॉडल्स डेटा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बोलते हैं तो इस इंफॉर्मेशन के लिए ही एक एक्ट बनाया गया जिसको हमने क्या बोला है आरटीआई एक्ट बोला गया है तो लॉ ने बोला कि इन्फॉर्मेशन का मतलब होगा जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो आप स्टूडेंट हो आप एम्प्लॉयर हो आप एम्प्लॉय जेड कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी के अंदर आप काम कर रहे हो या आप नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आपके पास जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें किसकी कैटेगरी में आएंगी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएंगी मेमोज हैं आप मेल करते हो मेल्स के थ्रू डेटा एक्सचेंज करते हो आप एक पब्लिक स्पीकर हो आप अपने ओपिनियन पब्लिक डिस्क्लोज करते हो आप मॉडल हो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आपने किसी भी शॉपिंग से कुछ ऑर्डर्स लिए हैं उसके बदले आपने पेमेंट किया है कुछ पेपर्स है मींस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एक्सचेंज किए हुई बातें सिंपल टर्म में अगर हम समझो तो उसको हम क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोलते हैं ओके okay? ये एक्ट तो बन गया और ये एक्ट किसके बहा में बना है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के ऊपर है कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा है इंफॉर्मेशन है हमारे थॉट्स अच्छे हैं आई एम अ पोएट और वो इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिकली डिस्क्लोज करती हूँ अगर वो इन्फॉर्मेशन वायलेटेड होती है या मेरी परमिशन के बिना कोई भी पर्सन उसको यूटिलाइज़ करता है मॉनेटरी टर्म में या नॉन मॉनेटरी टर्म में तो क्या हो जाएगी मेरे कॉपीराइट का वो वायलेशन हो जाएगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ ना हो इसलिए आईटीआई एक्ट बनाया गया है ओके तो कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है जो जिनके बिहाफ में हम सीयू कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या आरटीआई के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट आर फर्स्ट वन इज अट सिटीजन कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज़ टू द पार्लियामेंट कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज से तो वो क्या कर सकती है पब्लिकली डिमांड कर सकती है अगर उसको ऐसा कुछ आ, समझ में आता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और वो कस्टमर है तो वो कंज्यूमर फोरम जाएगा या फिर वो अपनी बात को पार्लियामेंट में भी रख सकता है सेकेंड टाइप की इंफॉर्मेशन है दैट इज सम इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द सोवे एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पटेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर टी आई थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी रिलेशन विद फॉरन कंट्रीज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैबिनेट डिस्कशन आर एग्जाम्पटेड फ्रॉम आर टी आई मीन्स ये दो कैटेगरीज की जो इंफॉर्मेशन है उसको आर टी आई के दायरे में नहीं रखा गया है ओके okay? राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है हमने आर टी एक्ट के बारे में समझ लिया कि आर टी एक्ट क्यों बनाया गया है उसकी प्रोसेस क्या है उसके पीछे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड क्या था लेकिन लॉ की निगाहों में राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे एज पर द सेक्शन टू जे ऑफ द एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स सेक्शन टू जे में डेफिनेशन दी हुई है लॉ ने हमें बोला है द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी एज एक्सेबल अंडर दूड पहला राइट हमको मिलता है, inspect, works, document and record. अगर हमको लगता है कि हमारे साथ मिसरिप्रजेंटेशन का केस है हमें बेवकूफ बनाया गया तो हम क्या करेंगे इंस्पेक्शन का सहारा लेंगे जो भी वर्क है या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स है उसको हम क्या करेंगे उसका इंस्पेक्शन करेंगे टेक नोट्स एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड अगर हमें लगता है कि हमारे साथ फिर से धोखाधड़ी का केस हुआ है तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास से जाके क्या डिमांड करेंगे कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है या जो भी पॉलिसीज है एक्स वाई जेड जो भी रिकॉर्ड आप कीप करते हो वो हमें चाहिए जस्ट फॉर द नॉलेज परपज टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल फॉर एग्ज़ाम्पल जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उन्होंने पब्लिकली नोटिस निकाला है कि हम दस लोगों को हायर करना चाहते हैं फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ठीक है अब मैं इंटरव्यू देने गई बट मुझे ऐसा लगा कि ये फेक है तो मैं क्या डिमांड करूँगी कि आपने जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट दिया है वो कॉपी मुझे दीजिए आप ऑथेंटिक होगी नहीं आप रजिस्टर्ड होगी नहीं आपका गुमास्ता सर्टिफिकेट क्या है आपका अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो आपका प्रोस्पेक्टस कहाँ पर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी नेसेसरीज इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड रख सकती हूँ ऑपलाइन इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रिंट आउट डिस्कार्ड फ्लॉपी टेप्स वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर टेक्टोनिक मोड ऑल्सो प्रिंट आउट्स मैं अगर चाहूँ तो उनको ये बोल सकती हूँ कि सारा डेटा या तो आप मुझे प्रिंटिंग फॉर्म में दीजिए या फिर मैं उनसे सॉफ्ट कॉपी की भी डिमांड रख सकती हूँ ये सब क्या है मेरे राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइट मिलते हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो हमारा राइट था उसके अंदर मिसिंग थे क्यों जब वो एक्ट बनाया गया उस टाइम पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी तो इंटरनेट साइबर क्राइम्स भी नहीं होते थे लेकिन जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी आया है तो वो सारे साइबर क्राइम्स को कम करने के लिए या मिसलीडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड केसेस कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला गवर्नमेंट ने बोला कस्टमर जी या सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या है कुछ राइट में देता हूं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आएंगे जिसका आपको क्या करना है यूज करना है और अपने आप को प्रोडेंशियल बनाना है ओके okay? अब ये पूरी प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी मैं जेड पब्लिक अथॉरिटी हूं ठीक है और आप मेरे पास आते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ठीक है तो मैं एक पब्लिक अथॉरिटी हूँ तो सारी इंफॉर्मेशन का सर्वर एक्सेस मेरे पास होगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यू नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक टेंडर लिया हुआ है ठीक है गवर्नमेंट ने मुझे कुछ अथॉरिटी दी है अब मैं नंबर मैं सबसे पहले क्या करूँगी एडवर्टीजमेंट निकालूंगी कि यू नेट डिसम्बर टू के लिए क्या है एप्लीकेशन की लिंक एक्टिव हो गई है जो भी कैंडिडेट कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो क्या करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो सर्वर का एक्सेस तो पूरा मेरे पास रहेगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिटीजन है ऑरेंज कलर के बॉक्स में तो सिटीजन क्या करेगा मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उसको अपने सर्वर से उसको दे दूंगी कि आप यू जी नेट के पोर्टल पर आइए जो भी इन्फॉमेशन चाहिए आपको मिल जाएगी दूसरी चीज़ क्या होगी इस्टेब्लिशमेंट मैंने एक मीडिएटर पर्सन को असाइन किया कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेंट्रल सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ठीक है तो जो सर्वर एक्सेस लेने के बाद मुझे जो राइट्स मिलते हैं उसमें मैं तीन तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ प्रमोशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए या डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेकिन जो भी डेटा एक्सेस मुझे मिला हुआ है उस पर मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा पहला कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो दूसरा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो तो जो एक इन्फॉर्मेशन का आर्ट आग... आर्किटेक्चर हम समझ रहे हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल टू द पब्लिक अथॉरिटी होती है उसके बाद जो कनेक्टिविटी होती है सर्वर्स की वो इंफॉर्मेशन सर्वर्स के पास जाती है फिर सर्वर पर्सन डिसाइड करता है या सर्वर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि उस इंफॉर्मेशन को किन किन तरीकों से जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाए अगर इस प्रोसेस में डेटा स्टीलिंग का केस आता है हैकिंग का केस आता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आरटीआर फाइल कर सकते हैं ओके अब आईटीआई एक्ट तो बना दिया गवर्नमेंट ने तो डेफिनेटली इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है एंपावर सिटीजंस टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट हमें सिटीजंस को एंपावर करना है मींस हमें उनको पोटेंशियल बनाना है कि आपको ये बेसिक सी चीजें पता होना चाहिए हर बात के लिए आप गवर्नमेंट को परेशान नहीं करोगे दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा द एक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई भी काम करती है फॉर एग्जांपल मन की बात प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी आते हैं और बोलते हैं पब्लिक को जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमारे सामने रखिए कुछ भी प्रॉब्लम है हम आपको सोल्यूशन देंगे माई जियो वी डॉट इन करके पोर्टल चलता है तो आप वहाँ पर अपने सजेशंस को भी अपलोड कर सकते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट रहें हम जो भी काम करते हैं वो पब्लिक को पता होना चाहिए तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा द एक्ट ऑल्सो हेल्प्स इन कंटेनिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द पीपल इन अ बेटर वे गवर्नमेंट का क्या है कि हमको जितना ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखेंगे जितना ज़्यादा अकाउंटेबल बनेंगे तो पब्लिक को पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है कैसे काम करती है उससे क्या होगा करप्शन कम होगा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा द एक्ट इन विच बिल्डिंग बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन हु वुड कीप नेसेसरी वेगल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी सिटीजेंस क्या होने चाहिए प्रोडेंशियल होना चाहिए उनको पता होना चाहिए किस स्टेप पर जाकर क्या काम होता है ताकि वो अननेसेसरी किसी के भी ऊपर केस फाइल ना करें फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हमारा टू इंश्योर लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम बाउंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी हाई है एंड कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारा टाइम भी सेव होता है और हम लीगल है किसी को बाउंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की जो टेक्नोलॉजी है थ्रू सोशल मीडिया थ्रू वेबसाइट्स एक्सवाइज जो भी कन्वीनियंस आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू uh, अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं लेस एक्सपेंसिव हैं ओके सिक्स ऑब्जेक्टिव है, है? Okay. हमारा टू मेक अर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस हम क्या हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते डेमोक्रेसी का मतलब होता है बाई लेटरल सजेशंस ऐसा और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है यूनी लेटरल सजेशंस नॉर्थ कोरिया का आपने नाम सुना होगा वहाँ पर क्या है अभी भी ब्यूरोक्रेसी नहीं आई है ना ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे क्या चलता है ऑटोक्रेसी रूल चलता है कि सामने वाले पर्टिकुलर सुपीरियर अथॉरिटी ने जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा लेकिन हमारा इंडिया क्या है हमारा इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता है कि रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने की अथॉरिटी सुपीरियर गवर्नमेंट की है लेकिन वो जनरल पब्लिक से सजेशन लेने के बाद बनाई जाती है तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए रियल सेंस में पीपल के लिए जो हम काम करते हैं सोशल सर्विस करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पब्लिक के लिए जो भी काम करती है वो सब क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इसलिए ये आरटीआई एक्ट बनाया गया है ओके okay? अब आई एक्ट तो बन गया लेकिन उसमें कुछ प्रोविजन है जिसके बेस पे जिसके विभाग पर ये एक्ट काम करता है तो पहला प्रोविजन है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज पर द दी वन बी ऑफ द एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर टू पब्लिश हर पब्लिक अथॉरिटी को अटॉर्नी ऑफ जनरल की जो बुक होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा दूसरा द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज आपको बतानी पड़ेंगी द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉज वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा मीनस इस एक्ट को बनाने के पीछे जो प्रोविजन डिसाइड किए गए हैं उन सबका मतलब ये है कि धोखाधड़ी की केसेस नहीं आने चाहिए जो भी आप काम करते हो जो भी आपकी रूल्स हैं पॉलिसीज हैं टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीजें आपको क्या करना है पब्लिकली डिस्क्लोज करना है सेलर्स एंड कस्टमर्स सुपीरियर अथॉरिटी टू तो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी के बीच में क्या करना है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है ओके द नॉम्स सेट इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस कोई भी फंक्शन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने डिस्चार्ज किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स यूज बाई इट्स इम्प्लॉयज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस वो भी डिस्क्लोज करना है द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी एग्रीमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर आ कंसल्टेशन विथ और अ रिप्रजेंटेशन बाई एनी फॉर्म ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ दैट शुड ऑल्सो भी डिस्क्लोज टू द पब्लिक आप दो अगर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी वर्क के लिए दैट इज लीगल और नॉन लीगल आपको यह करना है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और अगर आप गवर्नमेंट हो तो ये तो आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको हर एक चीज़ पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है ओके okay? आईटीआई एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है या हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस क्या है क्यों बनाया है ऑफ़कोर्स पहला ऑब्जेक्टिव क्या था एम्पावर टू सिटीजन्स जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं क्योंकि आर एक्ट 2005 थाउजेंड है इंडियन पार्लियामेंट क्रिएटेड है तो ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है और ये एप्लीकेबल क्यों है ताकि इंडिया में रहने वाले हर सिटीज़न को ये पता हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उस राइट्स को वो खुद के और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ कर सकता है इट इज़ थ्रू द इन्फॉमेशन कमीशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल दैट एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन अगर आपको लॉ नहीं आता या आपको कोई रूल्स एंड पॉलिसीज नहीं पता है तो लॉ हमें क्या बोलता है इट्स नॉट माई मिस्टेक इट्स योर मिस्टेक यू शुड नो अबाउट इच इन एवरी लॉ विच इज़ क्रिएटेड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसके बिहार में ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए आर टी आई इन्फॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक गुड फॉर इट्स रिलेवेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ़ सिटीजन एंड इट्स अ क्रूसियल पिलर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने जितने भी रूल्स बनाए हैं एक्ट्स बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इतना बड़ा लेकिन हर एक चीज़ क्या है रिटर्न फॉर्म में है और हमने जो भी रूल्स पॉलिसीज एक्ट बनाए हैं या हम पब्लिक वेलफेयर में कुछ भी काम करते हैं दैट इज़ टोटली पब्लिकली डिस्क्लोज उसके बाद भी अगर आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पा रहे हो दैट इज़ योर मिस्टेक नॉट आर मिस्टेक तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिसमें बायोलिट्रल सजेशंस के बेस पर एक्ट बनाए जाते हैं

ठीक है लॉकडाउन था लेकिन उसमें कुछ प्रोविजंस थे कि हम कुछ पैसेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ पर्टिकुलर पर्सनस को वही लॉकडाउन में घर के बाहर आ सकते हैं बाकी जनरल पब्लिक क्या रहेगी घर के अंदर रहेगी तो गवर्नमेंट ने कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया बहुत अच्छे तरीके से लेकिन उसने कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं थे जो जनरल पब्लिक को नहीं बताए थे तो आर टी आई एक्ट हमको क्या देता है पावर देता है राइट्स देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हमारे जो राइट्स हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के हम यूज़ कर सकते हैं ओके okay? अब मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं ये सारे प्रोविजन्स हमने बना दिए हमने रूल्स बना दिए हमने बोल दिया कि हमारे राइट्स हैं हमारी ड्यूटीज़ हैं लेकिन इन सब की मैकेनिज्म कैसे होती है मैकेनिज्म के लिए हमको फिर से समझना पड़ेगा हमारा जूडिडिशन सिस्टम को जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा है रिटर्न है कोई भी एक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता एक्ट को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्रपोजल आता है मेजोरिटी और एम पी एम एल अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी तो वो एक्ट ऊपर तक जाता है फिर वहाँ पे पीएम के साइन होते हैं प्रेसिडेंट के साइन होते हैं जब तक वो लोग अप्रूवल नहीं देते वो एक्ट यूज टू पब्लिक नहीं होता है तो सेम मैकेनिज्म यहाँ की है वॉट डज पब्लिक अथॉरिटी मीन्स हमने अभी बात की आरटीआई एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी की कि वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कोई भी पर्सन या स्टैचूटरी बॉडी हमको मना करती है कि इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी तो हम किसका यूज कर सकते हैं हम आरटीआई एक्ट का यूज करके वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं संविधान जो सबसे सुपीरियर बॉडी है दूसरा आता है पार्लियामेंट नाम तो आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं संसद भवन फिर होता है स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट दो टाइप की होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेशन में आपका सीएम आता है और गवर्नर आता है तो ये सब पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर कोई सा भी काम करती हैं तो आपको ये राइट है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो ओके okay? अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई धोखाधड़ी का केस हुआ है आई एम नॉट सेटिस्फाइंग विद द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट तो मैं क्या करूँगी आर टी फ़ाइल करूंगी अब आर मैं कैसे फाइल करूँगी सबसे पहले तो मुझे आई एक्ट का नॉलेज होना चाहिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं ये भी मुझे पता होना चाहिए तो सबसे पहले मैं जाऊँगी एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए जिसका नाम है आर टी आई ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन ठीक है उसके बाद मैं अपना अकाउंट बनाऊँगी फिर मैं एप्लीकेशन के लिए अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक पर जाकर अपना डेटा डालूंगी कि मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ से परेशानी है फिर मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करूंगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है या ये चीज़ मुझे नहीं बता दी तो इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं उसके बाद मैं राइट बॉक्स पर क्लिक करूंगी दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टोर्ड अबाउ द गाइडलाइंस सारे गाइडलाइंस को मैंने समझा उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ आर के लिए फ़ाइल कर रही हूँ उसके बाद मेरा एप्लीकेशन अगर ऑथेंटिक है वैलिडेटेड है तो उस पोर्टल के थ्रू मुझे एक मेल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है और आपने जो भी इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड किया दैट इज़ वैलिडिएटेड फॉम द पोर्टल ठीक है फिर मुझे कुछ एप्लीकेशन फ़ीज पे करनी होगी उसके बाद ही मेरा जो आर फाइल है वो आगे बढ़ेगा ओके आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन वे और आर टी आई एक्ट आपको समझ में आया होगा फॉर एनी क्वायरी एंड डाउट यू कैन मेल अस साइट प्रगति डॉट काची एट द रेट बी ए यू डॉट ई डी यू डॉट इन आज के वीडियो में हमने आर टी आई एक्ट के बारे में समझा आर टी आई एक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड थैंक यू यः परम्